नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DST न्यूज़। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडा तोलन के बाद बड़ी घोषणा की, जिसमें उन्होंने स्थानीय नीति को परिभाषित करते हुए नई कमेटी गठित करने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ सरना कोर्ट को भी विधानसभा से पारित करते हुए केंद्र भेजने की भी बात कही है। इन सभी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विधायक बंधु तिर्की जी। सरकार से आपने क्या मांगे की? हमने कहा है कि स्थानीय नीति कैले कमेटी जो गठित करने की बात कही जा रही है, वो कमेटी गठित करना मतलब कि एक तरफ से कहा जाए कि कारगर नहीं होगा। कमेटी गठित करने के पूर्व में हाउस में इसका बहस होना चाहिए, विशेष सत्र बुलाया जाए, सदन में बहस हो, सभी पक्ष विपक्ष की बात आनी चाहिए। कब कब अलग अलग समय में प्रदेश में सर्वे हुआ है, व्यवहारिक बात होनी चाहिए और यहाँ के लोगों के जनभावना के अनुरूप स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाना चाहिए। तो आज जो बंधु तिर्की जी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इसमें इन्होंने स्थानीय नीति जो परिभाषित करने की बात कही है, उसी में इसमें इनका कहना है कि विधानसभा स्पेशल सत्र बुलाया जाए, इसके बाद विधानसभा में बहस होनी चाहिए और उसके बाद इस स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों को देखने के लिए देखते रहें डेस्टी न्यूज़। गौरी रानी, रांची। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लेंथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।